लंके की चोट में मोदी साबिन कौन करे थार इस विस्फोट ने, जो कहा कर दिखलाया डंके की चोट में मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट ने। अमरीका चीन जैसे की जहां हिम्मत ना पड़े, पाकिस्तान तू के मसाला मोदी जी गैल भड़े, तू तो यो ते हनुमान की तरह लड़े, यो ते हनुमान की तरह लड़े भाई बांध लंगोट ने। मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट ने, जो कहा कर दिखलाया डंके की चोट में मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट ने। भाई 370 खत्म करी सबकी मरोड़ काट दी, 370 खत्म कर सबकी मरोड़ काट दी, करा बिल पास राज्यसभा में चौका नाड़ दी। भाई उग्रवाद की जड़ पाड़ दी मोदी सा की चोट ने, मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट ने, जो कहा कर दिखलाया डंके की चोट में मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट ने। भाई पीडीपी और एनसी के नेता जितने थे चोटी के, संग पत्थरबाज होए मोहताज एक एक रोटी के, छीन लिए सब बंगले कोठी कोई आया ना सपोर्ट में, मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट ने। कह मुरारी ले ले कर्ज तन लूटे ठाठ नवाबी, कह मुरारी ले ले कर्ज तन लूटे ठाठ नवाबी, जय भगवान वो दुखी रहेगा चौचाल गैर हिसाबी। भाई पाकिस्तान की किस्मत की चाबी, पाकिस्तान की किस्मत की चाबी मोदी के रिमोट में मोदी साबिन कौन करे था इस विस्फोट। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी सुंदर कविता हमारे निगाही और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। गद्दारों को धता बता कर तीन रंग का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के साथ आइएगा ऐसे नहीं बैठना है कि घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने, घाटी के आवाज पूरी आनी चाहिए, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, धारा 370 हटा के धारा संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, लाल खून से होती, लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी। वातावरण आपको पता है, हमको भी पता है कि लाल खून से जब होती नित हिम शिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। गाइएगा मेरे साथ, घाटी के चप्पे चप्पे पर भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा। और अगली पंक्ति मेरे साथ आप खुद ही गाने लगेंगे अगर आपके दिल में वो बात रही होगी कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, आवाज आई नहीं ढंग से, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा दिखा दिया,
अब की बार एक भी हाथ खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कहीं ना कहीं वो व्यक्ति गलत बैठे होंगे कि दिल्ली के सिंहासन ने दिल जीने का जलवा सिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया, दशकों तक होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर, घाटी के चप्पे चप्पे पर गद्दारों को धता बताकर तीन रंग का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। एक बार फिर बोलेंगे भारत माता की। जब भारत के तिरंगे की आन बान शान की बात चलती है तो चार पंक्तियां मुझे कुछ यूं याद आती हैं कि इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन तीन रंगों से ही वतन में बहार है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, और जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। आप, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ताली बजाएं नहीं बजाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये एहसास रहना चाहिए कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है धारा 370 के हटने पर, अनुच्छेद 370 और 35A के हटने पर, उसमें आपकी उपस्थिति एक समर्पित राष्ट्रवादी उल्लास उमंग के साथ आए हुए कार्यकर्ता की है, ये एहसास होना चाहिए। एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। कहना चाहता हूं कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, और बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। और तिरंगे की आन बान शान के लिए जब सैनिक सीमाओं पर लड़ते हैं तो कहीं जब अपना बलिदान देते हैं, शहादत देते हैं, तो चार पंक्तियां कुछ यूं कहना चाहता हूं कि सेंदूर सुहागिनों के देश पे शहीद हुए निज मात और पिता की अखियों के तारे थे, भोले भाले बचपन की अधूरी प्यास और बहनों की राखी आन बान रखवारे थे। याद करिएगा पूरा इतिहास कश्मीर के लिए, कश्मीर की घाटी में सीमाओं पर किस तरीके से हमारे सैनिकों ने -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर, या कहीं रेगिस्तान के, कहीं राजस्थान के रेगिस्तान में +50 डिग्री टेम्परेचर तक जाकर अपने देश की रक्षा करते हैं वो लोग। तब कहना चाहता हूं कि सेंदूर सुहागिनों के देश पे शहीद हुए निज मात और पिता की अखियों के तारे थे, भोले भाले बचपन की अधूरी प्यास और बहनों की राखी आन बान रखवारे थे, और प्राण दान देके जो सुरक्षा सम्मान दिया, प्यारे भारत के चिर पौरुष उजियारे थे, और कोटि कोटि जन हम करते नमन उन्हें, सारे ही शहीद हम सबके दुलारे थे, सारे ही शहीद भारतीयों के दुलारे थे। और एक और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कभी भी आप कहीं बाजार में हो, किसी बस अड्डे पर हो, किसी रेलवे प्लेटफार्म पर हो, हवाई अड्डे पर हो, कहीं भी हो, अगर कोई सैनिक देखते हैं, आपने देखा होगा अमेरिकी सैनिक निकलते हैं तो अमेरिका के लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सैनिक कहीं भी दिखाई दें, उन सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस देश में ऐसे देशद्रोही हैं, देशद्रोही कहा जाए, क्योंकि वो सैनिकों को गालियां तक देते हैं। तो हमें राष्ट्रवादी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा है, बलिदानी परंपरा है, उनमें उन सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। जय जवान और जय किसान जो नारा दिया गया वो ऐसे ही नहीं दिया गया, पूरा भारत देश जय जवान और जय किसान के नारे पर ही टिका हुआ है। मैं चाहता हूं एक बार बोलेंगे जय जवान, जय जवान, और एक बार बोलेंगे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान बोलेंगे, जय जवान जय किसान। तो ये जो कहीं भावना है पूरे राष्ट्र को एक करने की, पूरे राष्ट्र को कहीं ना कहीं एक सूत्र में पिरोने की, बनी रहनी चाहिए। मैंने तो कहा कि अवतारों शूरवीरों की है जननीय धारा, सूफी संत पीरों की भी गूंजी सरगम है, रामकृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और कबीर गुरुदेव नानक की खाते हम कसम है, राणा और शिवाजी गुरु गोविंद के वंशज हैं, जानता है जग हम किसी से न कम है, और भूल से भी अब कोई आंख ना उठाए, यहां घूमते 125 करोड़ परमाणु बम है। जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनको अपने ऊपर डाउट है क्या, सारे ताली बजाइएगा, सबको परमाणु बम बता रहा हूं, बस खतरा यही है एक दूसरे के ऊपर नहीं फटे, यहां गड़बड़ आ जाती है।
तो बहुत अच्छा है। भूपेंद्र जी आप भी ताली आली बजाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। एमसीडी के लोग और सभी कार्यकर्ता हमारे पार्टी के बहुत ही शिष्ट विशिष्ट लोग यहाँ पर विराजमान हैं। एक गीत पढ़ता हूँ मैं, उससे पहले दो एक छंद पढ़ देता हूँ कि और नहीं हिंसा कोई कूटनीति राजनीति चारों ओर क्रांति का ही गान होना चाहिए। सारी वसुधा कुटुंब मानते रहे मगर निज संस्कृति का भी मान होना चाहिए। तो देश की विशेषता अनेकता में एकता है, वंदे मातरम वरदान होना चाहिए। और अगली पंक्ति आपका समर्थन मिले कि वंदे मातरम वरदान होना चाहिए। और जाति पाति भाषा पंथ और प्रांत से भी पूर्व सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए जी, सबके दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए। अवतारों शूरवीरों की है जननी। और एक छंद और लिखा था मैंने, जब उन्होंने कहा कि उनके पास परमाणु बम है, ये है वो है, बहुत सारी धमकियां देते हैं हमारे पड़ोसी, तो मैंने कहा भैया वो तो सब ठीक है लेकिन हमारे यहाँ का हर व्यक्ति परमाणु बम है। और एक छंद और लिखा था कि कभी परमाणु बम गौरी से डराता हमें अकड़ दिखाता पल में ही मुड़ जाएगा, कि कभी परमाणु बम गौरी से डराता हमें अकड़ दिखाता पल में ही मुड़ जाएगा। नाग पृथ्वी त्रिशूल अग्नि न जाना भूल, हाइड्रोजन बम का भी फ्यूज जुड़ जाएगा। और आकाओं के दम पे तू गुब्बारे सा फूलता है, पड़ेगी जो मार क्षण में सिकुड़ जाएगा। और 125 करोड़ फूंक मार देंगे एक बार, आंधियां चलेंगी सारा पाक उड़ जाएगा। हाँ, उन्होंने ही ताली बजाई जो फूंक मारने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा पड़ोसी हमारा चाइना है। चाइना हमको आंख दिखाता है। मैं तो माननीय भाई साहब से श्याम जाजू जी से पूछ रहा था, मैंने कि भाई साहब इसकी चाइना वालों की आंख इतनी छोटी है खुद नहीं दिखाई देती तो हमको क्यों दिखाता है ये। बोले वो चक्कर कुछ और नहीं है, वहाँ का हिसाब किताब ही ऐसा है। मुलाया था राष्ट्रपति जी को, यहाँ माननीय अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ था, खातिरदारी की थी, जब चलने लगे तो जोर जोर से हाथ मिला रहे थे तो माननीय मोदी जी से पीछे से किसी ने कहा कि मोदी जी जरा धीरे से चाइनीज हैं। समझ में आ गई आपको? हाँ, तो चाइनीज माल के बारे में यही है। मैंने तो लिखा कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए, और जो कि हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के पीछे हाथ है दिल्ली का पूरा, और जब सीमा के पार जाकर कहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पूरी दुनिया में संदेश जाता है। मैं कह रहा था कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। और पाकिस्तानी चीनी लोगों ने बनाया गठजोड़, खूनी गठजोड़ टूटे ये प्रबंध कीजिए। और चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे, देश में ये फैली दुर्गंध दूर कीजिए। और ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए प्रथम चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए, चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए। भारत माता की